रिया, तुम सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हम तुम्हारे लिए ये तोहफा भी लाए हैं। ये तोहफा तो हम सब मिलकर खाएंगे। फिर तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सारे लड्डू तो भीम ही खा जाएगा। आज मैं भी इंदुमती को एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ। कई सदियों से हम इस पदक की हिफाजत करते हैं और आज इस पदक की जिम्मेदारी मैं इंदुमती को सौंपना चाहता हूँ। ये क्या? रुक जाओ, तुम भाग नहीं सकते। पकड़े गए। अब चलो महाराज के सामने। तुम चाहते तो तुम भाग सकते थे, पर मैं जानता हूं तुम कोई चोर नहीं हो और जरूर किसी मुसीबत में फंसे हो। हमें बताओ, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। ये देखो, इसी की तलाश करते हुए मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम दुरे है और ये मुझे मेरे पिताजी ने दिया था। हमारा गांव इस पदक की हजारों वर्षों से रक्षा कर रहा था। पदक के हिस्सों को वापस ढूंढने और जोड़ने का राज इन चित्रों में दर्ज है। इस राज को हासिल करने के लिए गिरबोरों ने हमारे गांव पर हमला किया। ये गिरबोरो कौन है? वो एक शैतान सरदार है और वो अफ्रीका के लोगों को फिर से अपना गुलाम बनाना चाहता है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब इस गिरबोरो को हमसे कोई नहीं बचा सकता। मैं भला तुम बच्चों को कभी मना कर सकता हूँ? जाओ। चलो चलिए। उस पत्थर के पीछे छुप जाओ। ये लोग कौन है? ये जरूर गिरबोरों के सैनिक होंगे। तो फिर हम उन पर कैसे हमला करें? मैं जो भी पूछूंगा उसका सही जवाब देना, नहीं तो। अब देखो ये पंख इनका क्या हाल कर सकता है। तो फिर बताओ, क्या गांव में और भी सैनिक हैं? गांव सिर्फ सैनिकों से भरा हुआ है। गांव वालों को तो गिरबोरों ने बंदी बना लिया है। और मेरा भाई कहाँ है? कुछ सिपाही उसके पीछे जंगल में गए थे, अभी तक तो उसे भी बंदी बना लिया होगा। गानू पदक के दूसरे हिस्से के पीछे ही गया होगा। हमें भी पदक की तलाश में जाना चाहिए।
नक्शे का दूसरा हिस्सा भी मिल गया। ये तो गानू का है, कहाँ है गानू? इन सब बच्चों को भी उस बच्चे के साथ बंद कर दो। ये सब कौन है? ये सब मेरे दोस्त हैं ढोलकपुर से। ये है भीम, चुटकी, राजू, जग्गू, कालिया और ढोलू भोलू। इन्हीं की मदद से मैं तुम्हें ढूंढ पाया हूँ। तुम्हें पदक का पहला हिस्सा मिला क्या? हाँ, पर जब गिरबोरों के सैनिकों ने हमें पकड़ा तो उन्होंने वो हमसे छीन लिया। क्या, उन्हें वो मिल गया? अब हम क्या करेंगे? घबराओ मत, हम उसे वापस हासिल करेंगे और पदक का दूसरा हिस्सा ढूंढ कर उसे नष्ट कर देंगे। पर कैसे? मेरे पास एक तरकीब है, सब ध्यान से सुनो।